स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। शहर इंडी में अंजुमन इस्लाम कमेटी के वोटर्स की जानिब से मौजूदा कमेटी को मनवी दी गई, जिसमें मौजूदा कमेटी को तालीमी मियार तरक्की के कामों की सरपरस्ती करने के लिए मोतबर हजरात उलमाए कराम तालीम याफ्ता लोगों की रहबरी एडवाइजर कमेटी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर तश्कील दी जाए और अब तक के तरक्याती काम और जमा खर्च का हिसाब वोटर्स के सामने पेश करने को लेकर मनवी दी गई। इस मौके पर मरकज मस्जिद के मुतवली अब्दुल रशीद अरब साहब, महबूब अरब साहब, मोहम्मद फारूक तुर्की साहब, अब्दुल जब्बार अरब अन्ना साहब, हसन मुजावर साहब, इब्राहिम मकादर साहब, अब्दुल रशीद मुगाली साहब, यूनुस रेवरकर साहब, मुबारक कोलाहर साहब, बंदे नवाज बगली साहब, बाबा चौधरी साहब, बशीर अहमद इनामदार साहब, महबूब पटेल साहब, यंजे नागुर साहब वगैरह और दीगर हजरात मौजूद रहे। और खबर मिले देखते रहे आई टुडे न्यूज़। उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गजान के हागू सर्व सदस्य अंजुम इस्लाम कमेटी, विषय सदरी कमिटी बंद मेले इनवे संस्थे आदाय वेच अभिवृद्धि केस बे विवरण सदस्य सामान्य सभे करिय बे मान्य मेले का विषय संबंध ना इंडी पटण अंजुम संस्थे मतदार वत तम विनती ना तमी के महत्व प्रश्न उत्तर बयसते ताव सदरी कमिटी आय्के इलीवरेगे सदस्य पदाधिकारी जनसामान्य सभे करे बंद सभे नंबर दो सदरी कमिटी आय्के यावदे तरह आदाय वेच के संबंध आर्थिक निर्वहणे माहितियन्नु कमिटी सदस्य मतदार गमन के नंबर तीन सदरी कमिटी बंद मेले शैक्षणिक भौतिक अभिवृद्धि एला तरह मार्गदर्शन पट्टण हिरीय हिरीयर विद्यावंतर धर्म गुरु सेरु सलाह समिति रचने विषय ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। जनरल बॉडी मीटिंग तो नहीं होनी काम हो। अब तुम्हें जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना बोलो तो हमें कोशिश कर रहे हैं, बराबर है। अब अध्यक्ष के थ्रू से हमें जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का है, वो जनरल बॉडी मीटिंग बुला देना। उसके बाद में क्या है, हमें वो जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर क्या बात करना है, क्या नहीं, कैसा कौन सा कमेटी बनाना है, क्या अब गाँव का मामला है, इदारे का उपज नहीं, अध्यक्ष का उपज नहीं है, वो पूरा गांव का मामला है, हमारे जमात का है, ये हमें सब मिला कुछ तय करना है। उनकी जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है, आम नागरिक का भी। अब इसे क्या करने का है, हमारे आगे का जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए के बाद में जब तक अध्यक्ष चेंज नहीं होना, चेंज नहीं होना, नहीं बता रहा हूँ, चले काम चले प्रोसीजर चले, अध्यक्ष कंटिन्यू जब तक है जनरल बॉडी मीटिंग हुए तक, उसके बाद में उन्होंने क्या डिसीजन लेते हैं उनको छोड़े अगर मैं चेंज हुआ तो भी उन्हीं बैठा देखो उस दिन ही जनरल बॉडी मीटिंग सब जना बुलाए रहते उन्हें बुलाते उन्हें यहाँ तो बुलाना मीटिंग बुलाए बाद उसके अंदर मैं पूरा मैं क्या क्या करूँ और मैं क्या क्या पैसे डालू क्या क्या करूँ सब तुम्हारा हिसाब दे दो। एक रुपये रुपये के हिसाब से तो अगर ज्यादा रहा देखो अगर मैं क्या खाया रहा अगर तुमने क्या तुम्हारा लिया तो मैं हाथ जगह पर दे दूंगा।
जब तुमको माहिती होता है तुम्हें दूसरे नवे बटा बने तो माहिती एक माहिती एक उनको बात करने रास्ता नहीं होता क्या है तो आप दी करनी अब तुम्हें है करनी दिया सच बात है ये कल हो सकते हैं परसों हो सकते हैं पहले जनरल मीटिंग बुलाओ उस बात सब जने मिलने के बाद क्या होते कल अध्यक्ष को 11 जने की कमिटी बनेगी तेरी राय बता रहा हूँ कमेटी बनेंगे कमेटी बनने के बाद क्या करना करने का तो सोचेंगे आशा भी नहीं है आप तुम्हारा क्या हिसाब नहीं कुछ करे कुछ पे क्या क्या है करने का नामीदार थी खाली मीटिंग बुलाओ उसके बाद 11 जने को चुनेंगे हम सब जने मिला को चुनने के बाद क्या करना करने का तब करेंगे ठीक है नहीं ठीक है आप कोई ऐसे बात करेंगे में बुला सकती हूँ शहर इंडी के कर्नाटका बैंक के करीब बीजापुर रोड पर मौजूद शिफा क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया है। शिफा क्लिनिक में आपको बेहतरीन और काबिल एतमाद तिबी खिदमात फराहम करने के लिए मौजूद है। इस क्लिनिक में आपको मिलेगा एक आरामदह माहौल, जदीद आलात और तजुर्बेकार डॉक्टर्स जो आपकी सेहत की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जेंट्स और खास कर लेडीज का इलाज यहाँ पर किया जाता है। आरम माहिरिन डॉक्टर्स डॉक्टर फुरकान मुल्ला और डॉक्टर सुमया मुल्ला जो हर मरीज को मुकम्मल तवज्जो देते हैं ताकि आपको बेहतरीन इलाज मिल सके। तो आज ही शिफा क्लिनिक पर विजिट करें या इस नंबर पर आप राबिता कर सकते हैं 9620522272।